अच्छा, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा कितना पड़ता है अप्रॉक्स? रोहतांग पास जाने के टाइम कितना लगता है? 50 किलोमीटर पहाड़ का तो डिफरेंट इश्यू होता है भाई। तीन घंटा जाना, और वहाँ पर कितना टाइम लोग रुकते हैं? गाड़ी का परमिट का खर्चा कितना आता है अप्रॉक्सिमेट आप लोगों का? उसका आपका 600-650 रुपए के आसपास आता है। 600-650 अप्रॉक्सिमेटली। छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी के सेम रेट है? सेम है, परमिशन एक ही मिलेगा। अच्छा, और बहुत बाइकर्स आते हैं, देखिए बाइकर्स आते हैं, बाइकर्स के लिए कोई बाइक के लिए परमिट का इशू है क्या? तो भाई आज हम लोग रोहतांग पास जा रहे हैं, प्रकाश जी हम लोग को ले जा रहे हैं इस गाड़ी से। तो भाई रोहतांग पास जाने के लिए कुछ परमिट के इशू है, डिस्टेंस है, ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सब चीज़ आने से पहले आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है? तो इस बारे में मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कौन एक्सपर्ट है? प्रकाश जी एक्सपर्ट है, जो हर साल हज़ारों बार रोहतांग पास आप लोग जाते हो टूरिस्ट को लेकर। तो प्रकाश जी, दो तीन सिंपल चीज़ आपसे जानना है। तो नंबर वन, रोहतांग पास मनाली से कितना डिस्टेंस है? या आपका 50 किलोमीटर वन साइड आता है। कितना? 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स। और यहाँ पर रोहतांग पास तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, परमिशन और परमिट तो चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो परमिट की इशू थोड़ा सा बोलिए ना। जो आपका परमिट आता है, गाड़ी के पूरे कागज डॉक्यूमेंट पे आपका परमिट मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, फिर ही आप अलाउड हो पाएंगे, ऐसे अलाउड नहीं हो पाएंगे। अच्छा, अब आपका रोहतांग के लिए आपका 500 गाड़ी रखा हुआ है। 500? हाँ जी, हाँ जी, आपका उसमें 200 गाड़ी डीजल और आपका 300 गाड़ी पेट्रोल। अच्छा, तो एक एक दिन में 500 गाड़ी का एंट्री है? अरे बाप रे, तो परमिट तो एक दो दिन पहले लेने ले जाना चाहिए। हाँ, लेना पड़ता है। अच्छा, गाड़ी का परमिट का खर्चा कितना आता है अप्रॉक्सिमेट आप लोगों का? उसका आपका 600-650 रुपए के आसपास आता है। 600-650 अप्रॉक्सिमेटली। छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी का सेम रेट है? सेम है, परमिशन एक ही मिलेगा। अच्छा, और बहुत बाइकर्स आते हैं, देखिए बाइकर्स आते हैं, बाइकर्स के लिए कोई बाइक के लिए परमिट का इशू है क्या? नहीं, बाइक के लिए कोई परमिट का इशू नहीं, बाइक फ्री है कम्प्लीटली। अच्छा, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? टूरिस्ट का तो फिलहाल कुछ भी नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। टूरिस्ट के लिए तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए। अच्छा, सिर्फ आपका ही चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं। अरे अरे वाह, हम लोग को टेंशन ही नहीं, सिर्फ ड्राइवर का डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका गाड़ी का परमिट चाहिए। अच्छा, रोहतांग पास एग्जैक्टली वहाँ पर तो जाने के बाद कुछ ड्रेसेस में से पहनना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट? हाँ जी ना, यहाँ से आगे तो यहाँ से आगे निकल के आपका यहाँ से स्नो ड्रेसेस वगैरह मिलती है। अच्छा, स्नो ड्रेसेस? हाँ जी, हाँ जी, उसको डाल के जाना पड़ता है क्योंकि टॉप में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। अच्छा, हवा भी, अगर हवा भी चलेगी तो इतनी ठंडी हवा चलेगी आप गाड़ी से बाहर नहीं उतर पाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा हाइट पे जाएगा रोहतांग, बहुत टॉप पे आता है आपका। अच्छा, तो ड्रेस वगैरह ले जाना पड़ता है। अच्छा, ड्रेस यहाँ से ले जाए वहाँ से मिलता है? नहीं नहीं, यहाँ से आगे से ऊपर नहीं आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, वहाँ तो वहाँ कोई नहीं रहता, बस अच्छा। यहाँ से आपका थोड़ा सा आगे जाके पहचान जगह आएगी, वहाँ से आगे कोठी गांव आएगा, उसके आगे कोई गांव नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लास्ट गांव में हम लोग को ड्रेस भाड़ा लेना पड़ता है, यहीं पे मिलेगा थोड़ा सा आगे जाके ना। अच्छा, मनाली से थोड़ा सा, मनाली भी समझो, मनाली से हम ड्रेस लेके जाएंगे और वापिस जब वापिस घूम घाम के आएगा तो उन्हीं को वापिस कर देंगे, किराए पे मिलता है। कितना किराया पड़ता है? 250 है। 250 में क्या क्या देते हैं भैया? ओ, आपका सब कुछ देंगे, जूता आएगा उसमें और जी आपका ऊपर से लेके नीचे तक फुल क्लोथ्स, फुल एकदम ठंड से आपको सेव करने के लिए ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो रोहतांग पास जाने के टाइम कितना लगता है? 50 किलोमीटर पहाड़ का तो डिफरेंट इशू होता है भाई। तीन घंटा जाना, और वहाँ पर कितना टाइम लोग रुकते हैं? वो अपने अपने पे डिपेंड करता है, कोई एक घंटा, कोई आधा घंटा। अच्छा, कोई दो घंटे। अच्छा अच्छा, तो भैया ये था पूरा परमिट का इशू। जब जब आओगे जो गाड़ी लेकर उससे 500-650 अप्रॉक्समेट लगता है, और ड्रेसेस वगैरह चार्ज है। थैंक यू प्रकाश जी। ओके प्रकाश, आपका नंबर फिर से बोल दीजिए ना। 9817184169। ओके, तो प्रकाश जी एक्सपर्ट बंदा है। प्रकाश जी, आप कितने बार गए हो रोहतांग पास में? हजारों बार, सैकड़ों बार? गिनती नहीं है, महीने में तो तीन चार बार तो रखो, बाकी महीने में 15 साल हो गए, अब गिनती लगा लो। 15 साल से भाई आप इतना जवान हो, 15 साल से ड्राइविंग कर रहे हो। ओके, थैंक यू। ओके, तो अगर आप आना चाहते हो प्रकाश जी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो कॉल करो, डिस्क्रिप्शन नंबर भी है। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, सपोज मनाली से मान लीजिए, एक सेकेंड। अच्छा, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा कितना पड़ता है अप्रॉक्स? जी, इसका आपका अलग अलग गाड़ी का अलग अलग भाड़ा होता। छोटा छोटे गाड़ी का पहले बोलिए। छोटा गाड़ी का कम से कम आपका 4000 के आसपास रहेगा। 4000 अल्टिम रहता है उसका? कम कभी ज्यादा भी नेट पे देखे थे 2500-3000 अप्रॉक्स। एक्चुअली आपका काम पे डिपेंड है। अच्छा, थोड़ा ऑफ सीजन होगा फिर थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, जब सीजन चल पड़ेगा तब ज्यादा क्योंकि गाड़ियां नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सिंपल इकोनॉमिक्स। और ये बड़े गाड़ी जब बड़े 10-12 लोग जाते हैं?
इसका तुम्हारा ही होगा। अभी सीजन में तो कम से कम इसी का आपका यहाँ लेंगे तो आप एक तो मई जून में तो आपका परमिशन मिलेगा नहीं। अच्छा, जिसके पास होगा वो 14-15 हजार रुपया। अच्छा, मई जून में परमिशन नहीं रहता है इसीलिए ज्यादा ज्यादा पड़ता है। अरे बाप रे, क्योंकि 500 परमिशन है ना। हाँ जी, पर उसी वजह से। अच्छा अच्छा, तो भाई मई जून में आप बताओ, ठीक है उसको अवॉइड करो बहुत ज्यादा। क्या रहता है प्रॉब्लम, क्या रहता है मई जून में? प्रॉब्लम आपका परमिशन का रहता है। परमिशन का रहता है? हाँ, परमिशन नहीं मिलता इतना इजी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप इतना लोग आया हुआ है और 500 गाड़ियाँ है। अच्छा अच्छा, 500 गाड़ी एक एक दिन में, तो इससे ज्यादा। अच्छा, ये मोटा मोटी भाड़ा का रेट है 4000 मान के चलो, बट ऑफ सीजन में थोड़ा सा कम भी हो सकता है तो ज्यादा भी हो सकता है पीक टाइम में। थैंक यू जी। तो ये था पूरा रोहतांग पास का लेखा चोखा। होप सो यू गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन। भाई एकदम रोहतांग पास का जो एक्सपर्ट है, जो महीने में 3-4 बार रोहतांग पास जाते हैं 15 साल से, उससे आपके साथ बात करवा दिया। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग।